साई इंटरनेशनल स्कूल सोलन ने छठा वार्षिक पारितोषित समारोह धूमधाम के साथ आयोजित किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कर्नल नारायण सिंह भट्टी मौजूद रहे। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में एडीएम सोलन विवेक चंदेल ने शिरकत की। कार्यक्रम में स्कूल के प्रेसिडेंट रमिंदर बाबा ने सभी अतिथियों का स्वागत किया और दीप प्रज्वलन करने के बाद छठी वार्षिक समारोह का विधिवत शुभारंभ किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत में वेलकम डांस बच्चों द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसके बाद स्कूल के बच्चों ने एक से बढ़कर एक बेहतरीन प्रस्तुति देकर अपने परिजनों का दिल जीत लिया। नौनिहालों ने जब मंच पर उतरकर कुर्सियों पर रखी पांच पांच टाइलों को एक ही प्रहार से तोड़ा तो परिजनों का सीना भी साहस से बढ़ गया और तालियों के शोर से बच्चों के हौसले बुलंद हुए। स्कूल के प्रेसिडेंट बावा ने कहा कि स्कूल का छठा वार्षिक पारितोषिक समारोह का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि छात्रों को ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए इस तरह का आयोजन किया जाता है। उन्होंने कहा कि छात्रों की छिपी प्रतिभा को मंच प्रदान किया जाता है। उन्होंने बताया कि स्कूल में छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ खेल व सांस्कृतिक गतियों में भी प्रोत्साहित किया जाता है। आज साई इंटरनेशनल स्कूल का 6th एनुअल डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें हमारे चीफ गेस्ट कर्नल एनएस भट्टी जी और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विवेक चंदेल जी आए हैं। और ये एनुअल फंक्शन हम बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट को बाहर निकालने के लिए, उनमें छुपी हुई प्रतिभा निकालने के लिए हम सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें सारे साल की को कलर एक्टिविटीज को हम हाईलाइट करते हैं। जैसे कि आज कराटे की भी प्रेजेंटेशन दी गई है और इसमें हम बच्चों को हर फील्ड में आगे लाने के लिए हम अपनी तरफ से पूरा भरपूर प्रयास करते हैं। और आगे स्कूल अभी हमारा सब सीसीटीवी फैसिलिटी है और आगे स्कूल हम 10th तक करने जा रहे हैं।